वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अभी इसका जो नया स्ट्रेंड आया है ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। इससे बचने के लिए मैं आज आपको कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बताऊंगी जो कि डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को मेरे इस वीडियो को शेयर करें जिससे लोग इसका बेनिफिट ले सकें। कोरोना से बचने के लिए आप रेफ्रिजरेटर का कोई भी प्रोडक्ट ठंडा यूज़ ना करें, ना बच्चों को दें, ना खुद यूज़ करें। आउटसाइड के फूड को भी अवॉइड करें, पार्टीज़ में ना जाएं। अगर आप घर पर हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं मेडिसिन बता रही हूँ, फर्स्ट एड किट को अपने पास ज़रूर रखें। आपको अपने घर में मल्टीविटामिन ज़रूर रखना है, आप कोई दूसरा भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं। मल्टीविटामिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे ही आप 30 प्लस के होते हैं तो आपको एवरी 6 मंथ में मल्टीविटामिन 15 डेज ज़रूर लेना चाहिए। और किड्स के लिए आप मल्टीविटामिन A to Z ले सकते हैं। आफ्टर फूड बच्चों को इसे 5 ml ले सकते हैं। ये विटामिन सी है। अगर आप बाहर जाते हैं, जॉब पर बाहर जाते हैं या फिर किसी एसेंशियल आइटम्स को लेने भी जा रहे हैं तो अगर आप विटामिन सी डेली 2 times लेंगे तो ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स हैं। जी बहुत हो जाती है तो उस टाइम पे ये बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। ये डी राइज है जो कि विटामिन डी की कमी को पूरा करेगा और साथ में कैल्शियम भी हमारे बॉडी में अच्छी तरह से इससे एब्जॉर्ब होता है। इसे हमें वीकली वंस लेना है। ये सारी मेडिसिन एज अ फर्स्ट एड आप अपने घर में ज़रूर रखें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी इसे ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर आपको फीवर है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, जैसे कि डोलो ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा पैरासीटामोल है आप वो भी ले सकते हैं। हाई फीवर में डॉक्टर्स मेफ्टॉल प्रिस्क्राइब करते हैं और अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उसके साथ आपको हमेशा पेंटोसिड लेना है जो एक गैस्ट्रिक टैबलेट है। Pen-40, Rantac, अलग अलग जगह पे ये अलग अलग नाम से आती हैं। पेंटोसिड को हमेशा बिफोर फूड लेना है हमें और इससे आपको किसी भी तरह का गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगा। अगर आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है तो आप ये इजी ब्रीथ मार्केट में अवेलेबल है कैप्सूल, इससे आप वाटर में डालकर ले सकते हैं स्ट्रीम। अगर आपको थोड़ा सा भी खांसी आ रही है तो आप बीटाडाइन की गार्गल जरूर करें। इसे 5 ml लें और इसे 1/2 cup वाटर में डिसॉल्व करके इसे गार्गल करें। और अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो आप टर्मरिक और रॉक सॉल्ट को हॉट वाटर में मिक्स करके उससे भी गार्गल कर सकते हैं। वाइसिन जो एक एंटीबायोटिक है, AZEEZ 500 आती है मार्केट में, एजिथ्रोमाइसिन की और अलग टैबलेट्स भी हैं, अलग अलग उसके सब्स्टिट्यूट हैं, आप वो भी ले सकते हैं। एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अगर चेस्ट में इन्फेक्शन है या फिर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो ये मॉन्टेयर होती है, मॉन्टेयर LC किट, ये बच्चों के लिए भी आती है और बड़ों के लिए भी आती है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यदि बच्चों को फीवर आता है तो आप उन्हें कालपोल दे सकते हैं। कालपोल 250 mg है, इसे हमेशा आफ्टर फूड ही लेना है 5 ml। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई दूसरा पैरासीटामोल है तो आप वो भी दे सकते हैं। यदि आप बच्चों को फीवर की मेडिसिन या फिर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो हमेशा उसके पहले उन्हें आधे घंटे पहले खाने के जूनियर लेंजॉल आती है, ये ज़रूर दें। छोटे बच्चों के लिए 15 mg देना है और जो 8 years के बाद के बच्चों के लिए हम 30 mg का देते हैं। इन मेडिसिन के अलावा आप अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जितना कम हो उतना ही बाहर जाएं, ज़्यादा बाहर नहीं जाएं, सोशल गैदरिंग नहीं करें, सोशल डिस्टेंस बना कर रखें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने मास्क से अपने फेस और नोज़ को अच्छी तरह से कवर करें। इसके अलावा आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें, लीफी वेजिटेबल्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस लें और अगर आप स्प्राउट खाते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा क्योंकि स्प्राउट, बीटरूट ज़रूर लें। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्ट डालता है क्योंकि ये RBC को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है। तो आप ज़्यादा बीटरूट लेंगे, अनार खाएंगे और पालक लेंगे तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें, खुद को सेफ रखें, दूसरों को सेफ रखें और अपनी फैमिली को भी सेफ रखें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।